विद्यार्थी मित्रों धोरण 10 हिंदी यूनिट 8 सुधा मूर्ति हम आज सुधा मूर्ति के बारे में कुछ पढ़ने जा रहे हैं। सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए प्रेरणा मूर्ति, महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए उन्होंने बहुत काम किया। इस हमारे पाठ में सुधा मूर्ति ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि स्त्रियों के लिए कोई काम असंभव नहीं है, हर एक क्षेत्र में काम कर सकती है। सुधा मूर्ति ने इंजीनियर के रूप में भी काम किया था और उन्होंने कई सारे क्षेत्रों में संशोधन किया था, जैसे कि तकनीकी क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र, लेखन क्षेत्र, हर एक क्षेत्र में उन्होंने योगदान दिया। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा, इसलिए इस पाठ में हमें बताया गया कि स्त्रियों के लिए कार्य क्षेत्र की कोई सीमा ही नहीं, हर एक क्षेत्र में वो कार्य कर सकती है, हर कार्य में कुशलता प्राप्त कर सकती है। हम इस पर इस पाठ में ज्यादा जोर दिया है उन्होंने और स्त्रियों को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। इस कृति का यह संदेश है कि जाति और लिंग के बीच कोई भेदभाव न रखा जाए। इस बात का उनके मन में कैसे विचार आया कि स्त्रियों के लिए कुछ करना चाहिए वो हमें सीखना है। वो कॉलेज कर रहे थे तब की ये बात है, अप्रैल 1974 की बात है। बेंगलोर में बहुत ही गर्मी पड़ रही थी। भारत विज्ञान संस्थान के परिसर में गुलमोहर के बड़े बड़े वृक्ष लाल रंग के फूलों से लगे झूम रहे थे। कौन सी कॉलेज की बात है? भारतीय विज्ञान संस्थान। वहाँ गुलमोहर के बड़े बड़े पेड़ बड़े बड़े फूलों के साथ लगे हुए थे। कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा समाप्त कर एक छात्रा हॉस्टल की ओर जा रही थी। क्या पढ़ रही थी सुधा मूर्ति? कंप्यूटर विज्ञान। सभी पूरे क्लास में सभी लड़के थे, अकेली लड़की थी, कंप्यूटर साइंस वो पढ़ रही थी। वो अपने क्लास खत्म करके हॉस्टल की ओर जा रही थी। उनकी दृष्टि एक नोटिस बोर्ड पर पड़ी और वो विज्ञापन पढ़ने लगी। यदि विज्ञापन प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को, टाटा कंपनी, टेल्को मतलब टाटा कंपनी की ओर से नौकरी के इच्छुकों के लिए था, किसी को नौकरी चाहिए तो उनके लिए कॉलेज में एक नोटिस बोर्ड पर विज्ञापन लगा हुआ था, तो वो सुधा मूर्ति वहां जाकर वो नोटिस बोर्ड पर विज्ञापन पढ़ने लगी। कंपनी को योग्य और परिश्रमी इंजीनियरों की आवश्यकता थी। किसके लिए विज्ञापन था? इंजीनियर की नौकरी के लिए। याद रखना है, चौंकाने वाली बात थी छोटे छोटे अक्षरों में लिखी अंतिम पंक्ति की। जो पूरा विज्ञापन था उनकी लास्ट में एक अंतिम पंक्ति थी, इनमें छोटे अक्षरों में लिखा था। क्या लिखा था याद रखना है, महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे। आवेदन मतलब अर्जी, हम गुजराती में बोलते हैं आवेदन मतलब अर्जी। जो इंजीनियर की पोस्ट थी उनके लिए केवल पुरुषों के लिए ही एप्लीकेशन करनी थी, स्त्रियों के लिए नहीं। उन्होंने एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा, हाँ लिखा तो वही था, उसे नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि विदेश से स्नातकोत्तर परीक्षा के बाद रिसर्च की डिग्री के लिए छात्रवृत्ति मिलने की पेशकश हो चुकी थी। बहुत इंटेलिजेंट थी सुधा मूर्ति, रिसर्च में वो पढ़ी थी और रिसर्च में स्नातक होकर मतलब ग्रेजुएट हुई थी। उसमें इतने अच्छे मार्क्स, इतने अच्छे परसेंटेज बोलाए कि जिसके लिए विदेशी लोगों ने, विदेशी कॉलेज ने उन्हें छात्रवृत्ति मतलब शिष्यवृत्ति की पेशकश की थी, आप इधर आ जाओ, आप हम आपको शिष्यवृत्ति देंगे। वो विदेश जाना चाहती थी, यहाँ कोई नौकरी की उनको जरूरत नहीं थी। वह स्वयं भी विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी, स्नातक हुई थी उनके आगे पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहती थी वो। परंतु ये भेदभाव, स्त्री पुरुष का भेदभाव, मात्र पुरुष आवेदन भरे स्त्री न भरे, ये भेदभाव वो सहन नहीं कर सकी। स्त्री पुरुष में इतनी असमानता बात कुछ बची नहीं, इसको सुधा मूर्ति को। तो उनके लिए उन्होंने क्या किया? वह अपने
कक्षा में हमेशा प्रथम आई थी। कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा में पुरुष सहपाठी में अकेली लड़की वो पढ़ रही थी। योग्य थी वो, परिश्रमी थी, खूब मेहनत करती थी, उसे कुछ तो करना ही होगा। उनके मन में एक डट हो गई, एक धुन लग गई, ये असमानता मैं नहीं सह पाऊंगी, मुझे कुछ तो करना होगा। मैं भी परिश्रमी हूँ, मैं भी पढ़ती हूँ, अव्वल नंबर पास होती हूँ, सभी लड़कों के साथ अकेली में लड़की पढ़ रही हूँ, फिर भी वो असमानता थी। तो उन्होंने इस भेदभाव के लिए, योगी नाई के लिए लड़ने की सोच ली। इस भेदभाव को सहना उसके बस की बात ही नहीं थी, वह उसका विरोध करेगी, ऐसा निर्णय कर दिया। और कैसे करेगी, डट कर उसका विरोध करेगी, पीछे नहीं हटेगी। वो निर्णय किया, इसलिए इंजीनियर पद के जो छोटे छोटे अक्षरों में लिखा था कि महिला उम्मीदवार आवेदन न भरे, उसके लिए वो लड़ना चाहती थी, क्यों न भरे। वो भी मेहनत करती है, स्त्री भी मेहनत करती है, पुरुष भी मेहनत करते हैं, तो वो लड़ना, वो डट कर लड़ेगी। और क्या किया लड़ने के लिए, उसने अपनी डायरी में आवश्यक सूचनाएं लिख ली। टाटा कंपनी ने तो लिखा था ना आवेदन नंबर, फिर भी आवेदन में उनको अर्जी करनी थी, इसीलिए उन्होंने सब सूचनाएं अपनी डायरी में नोट कर ली और हॉस्टल की ओर चली गई। उसने निश्चय किया कि वह टेलको कंपनी में सर्वोच्च अधिकारी को सूचित करेगी कि उनकी कंपनी इस प्रकार का अन्याय कर रही है। सब उनको लेटर लिखना था ना, तो टाटा कंपनी के मालिक को, तो उन्होंने सब सूचनाएं लिखी और मन में निश्चय किया कि उनका जो सर्वोच्च अधिकारी है उनको वो बताएगी, सूचित करेगी कि भाई आपकी कंपनी इस प्रकार का भेदभाव कर रही है, स्त्रियों के प्रति अन्याय कर रही है। उसे वो सर्वोच्च अधिकारी का नाम मालूम तो नहीं था, केवल इतना पता था कि टाटा समूह के जो प्रमुख है वो JRD टाटा है। कौन है, टाटा के प्रमुख JRD टाटा। तो उनको ये नाम मालूम था, थोड़ी सी सूचनाएं लिखी और उन्होंने लेटर लिखा। उसके बाद एक पोस्टकार्ड लिया और JRD टाटा को संबोधित करते हुए लिखा, आपने भारत में लोहा, इस्पात, रासायनिक पदार्थ, कपड़ा, मशीनों के बड़े बड़े उद्योग लगाए, जो जो उद्योग रतन टाटा ने, JRD ने, मतलब रतन टाटा, आपने सबने टीवी में कहीं भी सुना होगा, देखा होगा, तो उनको लिखा कि आप तो रासायनिक पदार्थ में, कपड़ों में, कोई भी ऑटोमोबाइल्स में, आप तो बड़े बड़े लोहे की चीजों में उद्योग लगा रहे हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना में बढ़ चढ़ कर अपना योगदान आपने दिया है, रतन टाटा को मैंने लिखा, आप तो भारतीय जो विज्ञान संशोधन है, रिसर्च सेंटर, विज्ञान संशोधन मतलब रिसर्च सेंटर में भी आपने बहुत सा योगदान दिया है, और सौभाग्य से ही उसी संस्थान में मैं पढ़ रही हूँ। वो रिसर्च सेंटर में पढ़ रही थी ना, भारतीय कंप्यूटर विज्ञान में वो पढ़ रही थी, उन्होंने किया कि वहां पर मैं पढ़ रही हूँ। मैं हैरान हूँ कि टेल्को जैसी कंपनी स्त्री पुरुषों के बीच ऐसा भेदभाव कैसे कर सकती है। रतन टाटा को उन्होंने पुरस्कार लिखा, उसमें लिख दिया कि भाई आपने तो इतनी सारी कार्य, इतना सारा उद्योग, वो सब आप कर रहे हैं, आप ये संस्थाएं बड़ी बड़ी चल रही, अच्छी तरह से दिन दुनी रात चौगुनी ये प्रगति कर रहे हैं, तो फिर आपने क्यों ऐसा किया कि स्त्री और पुरुष के भेदभाव, तो ऐसा भेदभाव आपने कंपनी कर रही है। 10 ही दिन में कंपनी ने उसे तार भेजा। उनका पुरस्कार का क्या हुआ, 10 दिन में वो कंपनी ने सुधा मूर्ति को तार भेजा। पहले जो सुविधाएं थी उसी तरह, अब तो टेलीफोन करते हैं, ईमेल करते हैं, फैक्स करते हैं, उन्होंने तार भेजा। कंपनी के खर्चे पर पुना शहर में साक्षात्कार लेकर के लिए उपस्थित हो, ऐसा उनमें लिखा तार था, उनमें लिखा था सुधा मूर्ति को कि आपको उस जो जगह है, इंजीनियर की पोस्ट है, उसके लिए पुणे में हमारे खर्चे से आपको आना है, उपस्थित होना है। आवश्यक तैयारियों के साथ वह लड़की पुणे पहुंच गई, पूरी तैयारी की, क्योंकि उनको तो इंटरव्यू देना था, इंजीनियर की जो पोस्ट थी उच्च पदाधिकारी की, उनको उनमें पास होना था, इसीलिए तैयारी की और वो पुणे पहुंची। साक्षात्कार आरंभ हुआ, उनका इंटरव्यू शुरू हुआ, काफी तकनीकी प्रश्न पूछे गए जिनके वही सही सही उत्तर दिए गए, तकनीकी टेक्निकल क्वेश्चन,
टेक्निकल क्वेश्चन पूछे तो उन्होंने अच्छी तैयारी की थी, उन्होंने वो सभी प्रश्नों के सही सही उत्तर दे दिए। इंटरव्यू में अब आगे क्या होता है हम अगले एपिसोड